हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर, है ना। अभी पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर, है ना। तो नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है, है ना, और उसका कैसे डिजाइन होता है वो देखेंगे हम लोग इस क्लास में। नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि इसका एक कॉमन नेम है जो बार बार अभी से आपके कोर्स में आता रहेगा, क्वेश्चंस में आता रहेगा, उसको कहते हैं नॉच फिल्टर। क्या बोलते हैं? NOTCH, नॉच फिल्टर। तो ये नॉच फिल्टर कुछ नहीं है, इसी नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर का नाम है इसी। और बैंड रिजेक्ट फिल्टर कैसा होगा? इस तरह आएगा, ए थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को, इतने ही को रिजेक्ट करेगा और बाकी सबको पास करेगा, है ना। तो कहते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी को या बहुत छोटे से बैंड को रिजेक्ट करने के लिए इस तरह का बैंड रिजेक्ट फिल्टर बनाया जाता है, है ना। और इट इज पॉपुलरली नोन एज नॉच फिल्टर, है ना। ओके, सो ये नॉच फिल्टर तो है। अब इसमें हम लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि बनता कैसे, है ना। कई मेथड्स हैं इसके बनाने के, लेकिन इसमें जो पॉपुलर मेथड है वो है ट्विन टी नेटवर्क। ट्विन टी नेटवर्क क्या होता है, है ना, इसमें दो टी होते हैं ऐसे, है ना, ऐसे दो टी होते हैं इस तरह से दो टी होते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको ट्विन टी नेटवर्क। पहला जो टी है उसमें यहां पर ऐसे आर लगा होता है, है ना, इस आर्म में भी यहां पर आर लगा होता है और इस आर्म में यहां पर सी लगा होता है। पहला टी है उसके दो आर्म्स में आर और एक आर्म में सी लगा होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा टी है इसमें दो आर्म में सी लगा होता है, कैपेसिटर, ओके। एंड ये जो थर्ड आर्म है यहां पर आपको दिख रहा है इसमें ये रजिस्टर लगा होता है। वैल्यूज कैसे होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये तो सिंपली आर, ये आर, है ना, और ये सी, और ये सी होता है, है ना। कई बार लोग इसको, इस कैपेसिटर को यहां नहीं बना के यहां पर भी नीचे भी आपको दिखाई देगा ऐसे इधर भी बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, है वही चीज, ओके। यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं होता, है ना। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना, देर इज नो कांटेक्ट हियर, है ना। तो यहां ये आर है, आर है, सी है, सी है। यहां जो आर होगा ये हो जाएगा आर बाई टू, और यहां जो सी हो जाएगा ये हो जाएगा टू सी, है ना। इस तरह से इसी ट्विन टी नेटवर्क के हेल्प से हम लोग बैंड रिजेक्ट फिल्टर बनाते हैं, रादर नॉच फिल्टर बनाते हैं, है ना। लेकिन इसका जो क्यू फैक्टर होता है, क्यू लो होता है, क्योंकि ये कैसा फिल्टर है, माने ये यहां पर आप ऐसे करके, है ना, ऐसे रहेगा और यहां से ये कनेक्टेड है ऐसे, और ये यहां से ग्राउंड इस तरह से बनता है, है ना, और ये भी कनेक्टेड रहता है, और ये आपका आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, है ना। यहां से आप इनपुट देंगे, ठीक है, और यहां से आप आउटपुट लेंगे, है ना। तो ये इनपुट है, है ना, तो यहां आप वी इन कह सकते हैं, यहां आप देंगे, ठीक है, और यहां आपको वी आउट मिलता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एक पैसिव फिल्टर है, पैसिव फिल्टर है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है एक्टिव और पैसिव फिल्टर। पैसिव फिल्टर वो है जिसमें आर सी एल होते हैं सिर्फ, और एक्टिव फिल्टर वो है जिसमें कोई ना कोई एक एम्पलीफायर लगा होता है, जैसे ओप एम्प, जैसे ट्रांजिस्टर, है ना। कोई भी एक अगर एम्पलीफायर लगा हुआ होगा तो वो
एक्टिव फिल्टर बन जाएगा। अब इसमें जो पैसिव फिल्टर है इसके साथ सिर्फ दिक्कत ये है कि इसका जो क्यू होता है वो लो होता है, लो क्यू होता है। तो इसीलिए अगर इसको हम इसी नेटवर्क को अगर हम पैसिव फिल्टर के थ्रू बना दें, है ना, यहां से अगर हम इस तरह से इसको बना देते हैं, है ना, ये प्लस ये माइनस और यहां इस तरह से अगर हम आउटपुट में लगा देते हैं यूनिटी गेन फीडबैक, मतलब वोल्टेज फॉलोअर यूपेन से, है ना, ये वोल्टेज फॉलोअर हमने अगर लगा दिया, ठीक है, वोल्टेज फॉलोअर अगर हमने इसमें लगा दिया इस तरह से, तो ये काम कैसे करेगा? अब ये नॉच फिल्टर एक्टिव फिल्टर हो गया, अब इसका क्यू हो जाता है वो हाई हो जाता है। और हाई क्यू का मतलब क्या है कि जो रिजेक्ट होने का जो बैंडविड्थ है वो बहुत कम हो जाता है। जितना क्यू ज्यादा होता जाएगा उतना सिलेक्टिविटी बढ़ता जाएगा, उतना जो बैंडविड्थ है वो कम होता चला जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा बहुत अजीब भी लग सकता है आपको नेटवर्क देखने में, है ना, तो इसलिए आप इसको थोड़ा छोटा में भी बना सकते हैं, है ना, ओके नो प्रॉब्लम, मैं यही रहने दे रहा हूं ऐसे ही, है ना। आप इसको इस तरह से बनाइएगा, है ना, इसको आप अलग से भी यहां इनपुट दे सकते हैं, ये वी इन होगा, है ना, और यहां से ऐसे ठीक है, और ये बीच में ट्विन टी नेटवर्क लगा रहेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि जो इसका ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी होता है जिस पर ये मैक्सिमम रिजेक्ट करता है वो होता है FN, नॉच फिल्टर है, तो नॉच फिल्टर का जो ये सेंटर फ्रीक्वेंसी होता है ये वाला, इसको FN कहते हैं, N आया नॉच से, है ना, एंड इट इज गिवन बाय 1/2πRC, 1/2πRC ये हर्ट्ज, ठीक है। अगर आपको कोई फिल्टर बनाना होगा, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है कि ये यहां पर R, R, C, C, R और बाई टू और टू सी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक R का वैल्यू निकालना है, एक C का वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू FN आपको दिया रहेगा, इट विल बी गिवन, है ना। अच्छा, इसका एप्लीकेशन कहां है वो भी देख लेते हैं। जैसे जनरली इसका यूज कहां किया जाता है, जैसे पावर सप्लाई हमारे घर में लगा हुआ है, तो पावर सप्लाई में का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। अगर कोई भी डिवाइस हम चलाना चाहते हैं तो 50 हर्ट्ज तो आ ही रहा है पावर सप्लाई, तो उसको रिजेक्ट ही करना होता है, वो पावर सप्लाई हमको उस किसी भी डिवाइस के अंदर नहीं चाहिए। तो जब भी ये अगर अमेरिका जैसे कंट्री में अगर लगाना हो तो क्या करेंगे, 60 हर्ट्ज का वहां घर में सप्लाई रहता है, तो वहां पर हम लोगों को जो नॉच फिल्टर लगाएंगे उस 60 हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, बाकी सबको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे हमारे यहां अगर हम नॉच फिल्टर लगाएंगे तो 50 हर्ट्ज का नॉच फिल्टर लगाएंगे जो हमारे घर का जो पावर सप्लाई है उसको रिजेक्ट कर देगा, बाकी सबको एक्सेप्ट करेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। तो जनरली इस तरह की चीजों के लिए एक बहुत ही एक दो फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन के लिए इसका जनरली ज्यादा यूज होता है। This notch filter is mostly used for single frequency rejection. Single frequency rejection, है ना? Single frequency का rejection के लिए ये generally use किया जाता है। तो let us suppose हमने ले लिया एक filter, design करते हैं हम, जिसमें जो 60 hertz के frequency को reject करना है। We want to डिजाइन सच अ फिल्टर दैट विल रिजेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। लेट अस सपोज वी आर डिजाइनिंग, आप 50 हर्ट्ज के लिए जरूर बनाइएगा घर पे, मैं 60 हर्ट्ज के लिए बना रहा हूं, है ना, 50 हर्ट्ज के लिए बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, इसलिए मैं 60 हर्ट्ज के लिए बना रहा हूं। आप 50 हर्ट्ज के लिए खुद से एक जरूर बनाइएगा ताकि आप अपने घरों में भी अगर कभी फिल्टर यूज करने का जरूरत हो तो आप यूज कर सकते हैं, ओके। तो FN दिया रहेगा, है ना। आप पहला स्टेप में क्या कीजिए, सी ले लीजिए लेस देन और इक्वल टू 1 μF। बार बार मैं बोलता आया हूं कि जो भी आपके पास अवेलेबल होगा कैपेसिटर
वो आप ले लीजिए, लेकिन 1 माइक्रोफेराड से कम लीजिएगा। तो जनरली हमारे घरों में, हमारे लैब्स में, दुकान में ये 0.01 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर अवेलेबल रहता है, तो हमने ये ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो स्टेप है ना, दूसरा स्टेप यहां पर हम लोग लेंगे आर कैलकुलेट करना है। देखिए एफएन आपको दिया हुआ है, आर आपको कैलकुलेट करना है, तो आर क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 1/2πfn × c। तो अब आपको पता है कि 1 तो 1 है, 2 2 है, पाई 3.14, fn इज 60, ओके, एंड c 0.01 × 10⁻⁶। जब आप इसको सोल्व करेंगे, 10⁶ को ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो इट कम्स टू इक्वल टू 39.01 किलो ईयर। ओके, सो आप यहां पर 39.01 किलो ओम, तो ये जो आसपास का जो कैपेसिटर होगा आप उसको लगा दीजिए, है ना। ओके, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो लगा सकते हैं, जैसे 39K, है ना। अब जैसे यहां पर इसका हाफ हो जाएगा, है ना, तो यहां पे आपका आ जाएगा 19.5K, है ना। अगर इसमें इस तरह से आप इसका यहां पर जो कैपेसिटर है 0.01 या 0.01, लेट अस सपोज कि आपके पास ये 19.5K का नहीं है लेकिन 39K का है, तो आप क्या करेंगे, आप दो रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में लगा दीजिए, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना हो 39, तो 39 पैरेलल में कितना आ जाएगा, तो ये इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस आप यहां लीजिएगा वही रेजिस्टेंस यहां भी लेना ज्यादा सही है। तो आप यहां एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो यहां पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दीजिए, वैल्यू अपने आप आधा मिल जाएगा आपको। अब जैसे यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर 2C लगाना है, तो 2C का 0.02 का तो मिलेगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा कि इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा दीजिए। तो ये 0.01 का हुआ, ये 0.01 का हुआ, दोनों अगर दो कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये 0.01 ये, 0.01 ये, दोनों कितना हुआ 0.02, मतलब 2C, ये कितना आएगा, टोटल इक्वल टू 2C, C पैरेलल C 2C। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, अपने घरों में भी फिल्टर बना सकते हैं, है ना। तो यहां पर आपका जितने भी तरह का फिल्टर्स थे, ठीक है, वो समाप्त होते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी तरह का कोई समस्या हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए, मैं उस पर लेटेस्ट जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो नया वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक और फिल्टर बच रहा है, वो है ऑल पास फिल्टर, है ना, तो ऑल पास फिल्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो मिस मत करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।